यहां पर दे रखा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो हम मान लेंगे कि जो छोटी जो टैप है उसके द्वारा एक्स आवर में टैंक भरती है, तो बड़ी में जो है वो 10 घंटे कम समय लगे, क्योंकि कह रखा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन. तो हमने मान लिया कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू एक्स आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप एक्स माइनस 10 आवर. इसके बाद साथ में ये भी जो समय दे रखा है इसको आप जरा सही कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 75/8 आवर्स. अब हम इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो 1 आवर वर्ग को निकालने का रहेगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छोटी वाली टैप है उससे जो टैंक है वो एक्स आवर में भर जाती है. अगर मान लीजिए कोई टैप है और वो 2 घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे में टैंक कितनी भरेगी, 1/2 भरेगी. तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, यानी 1 आवर वर्क का लगाएंगे. तो एक्स घंटे में अगर छोटी टैंक से भर रहा है तो 1 घंटे में यानी पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, ये हमारा हो जाएगा 1/x. इसी प्रकार पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, ये हो गया हमारा 1/x-10. अब ये देखते हैं कि दोनों मिलके कितना समय लगाती हैं. दोनों मिलके जो समय लगाती थी वो 75/8 घंटे था. तो अगर 1 आवर वर्क को कैलकुलेट किया जाए, यानी हम 1 आवर के लिए दोनों टैप खोल दें तो क्या होगा, इसके द्वारा कितना भरा जाएगा, 1/x पार्ट भरा जाएगा, और इसके द्वारा 1/x-10 पार्ट भरा जाएगा. और कितना टैंक में भरेगा पानी, वो भरेगा 8/75, यानी इसको भी रिवर्स करेंगे क्योंकि 75/8 घंटे में पूरी टंकी भरती है, तो 1 घंटे में जो टंकी भरेगी वो 8/75 भरेगी. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे जो कि ये बनेगी, इसके द्वारा भरा हुआ भाग 1/x प्लस इसके द्वारा भरा हुआ भाग 1/x-10. और हमको मालूम है कि 1 घंटे में जो टैंक भरती है वो 8/75 भाग भरेगी, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 8/75. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे. तो जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो जो है ये हो जाएगा, अब हम एलसीएम लेंगे तो x और x-10 एलसीएम हो गया इक्वल्स टू 8/75. तो ऊपर आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x-10 टेंस जाएगा तो x-10, और इसको इससे करेंगे तो x जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x. तो ये हो गया 2x-10/x²-10x=8/75. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 8x²-80x=150x-750. सब एक तरफ ले आइए तो ये आ जाएगा 8x², जब इसको लाएंगे तो -80x-150x+750=0. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 8x²-230x+750=0. अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे. तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 और दूसरी वैल्यू जो होएगी वो आएगी 30/8. तो 30/8 को जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये लगभग 3.7 आवर आएगी. तो अब हम 3.7 को इसलिए नहीं लेंगे, उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम 3.7 को मानते हैं तो छोटी वाली टैंक में जो समय लगता है वो x आवर लगता है, और जो बड़ी वाली टैंक है उससे जो समय लगता था वो x-10 लगता था. तो अगर हम 3.7 मानेंगे तो इसमें तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें रखते हैं वो 3.7-10 यानी वैल्यू जो होगी वो माइनस करके कुछ आएगी,
तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है क्या ये आवर्स है, यानी समय जो है वो हमारा निगेटिव हो जा रहा है। यानी अगर एक्स की वैल्यू हम 3.7 लेते हैं तो टाइम निगेटिव हो जा रहा है। अगर ये टाइम निगेटिव ना होता तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि टाइम जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम पुट करते हैं तो टाइम निगेटिव हो जा रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 25 आवर्स होगा। यानी जो छोटी वाली पाइप है उसमें भरने में लगा समय 25 आवर हो जाएगा, और जो बड़ा पाइप है उसके द्वारा लगा समय 25 - 10 = 15 आवर्स हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम।